देखो ये कहते थे हैं कि कृष्ण और राम एक साधारण महान पुरुष थे, यहां तक कह देते हैं मेरे भारत की धरती पे। पर कृष्ण और राम जैसे अवतारों से ही तो भारत का नाम हुआ है, ऐसे अवतार पूरे विश्व में नहीं हुए। और अगर कोई जिकाए कि वो साधारण व्यक्ति थे तो ऐसा कोई करके दिखावे। कन्हैया एक रूप थे पांडवों के संग और दूसरा रूप थे दुर्योधन के सामने, ऐसा कोई आज करके दिखा दे कि एक सरित जा गांव निगोह में बैठो रहे और एक सरित पे ससुराल में बैठो रहे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो हुआ, उस वही हुआ। और दूसरा प्रमाण तुम्हारे सामने, लंका पर जो भगवान राम ने पुल बनाया था वो पुल 400 कोस बना था, 400 कोस। और रामायण में स्पष्ट प्रमाण है कि 5 दिन में बना था, 5 दिन में। और आज तुम पूरे विश्व के सबरे इंजीनियर और कारीगर लगा दियो, 5 महीने ही में बना दे 400 कोस। और उसका आज भी प्रमाण है 5 मील तो वो अबे हुआ तो पानी में पुल 5 मील अब भी है। लेकिन क्या साधारण आदमी की दम थी? राम जिस पत्थर पर लग गया वो पत्थर पानी पर तैर गया ऊपर का, नीचे तो बच्चे निकल आए नहीं लाए। तो आज इधर से भगवान जा रहे द्वारा रूप धर के और उधर से दुर्योधन आ रहा था, दुर्योधन। और इधर जैसे ही दुर्योधन को देखा तो भगवान ने कही, कहिए महाराज आज जा रथ में, अभी तो जिंदे हो और जियतरण भूमि में इतने परास्त है गए तो काया थे नंगे हुए गए। तो देखो बात झूठ नहीं बोला, छिपाया नहीं कि महाराज मैं जा रहा हूं, मेरी मैया आज पट्टी खोल के देख लेगी तो मेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर मेरे मारने वाला दुनिया में कोई नहीं। और कू मालूम है जो कन्हैया पंडन की मदद पर रहते हैं, और तो झूठ नहीं बोला, सही बता दिया कन्हैया ने कि पहले तो जी बताओ तुम्हें जी बात बताई किन्ने कि तुम वज्र के हजाओगे। दुर्योधन ने कही कि जी बात वो ही बताई है इधुष्टन ने, सही कन्हैया मुस्काए गए। और जो एक बात देखियो, तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति अब खड़ो करके देख लियो जमा के प्रैक्टिकल करके और त्याय माओ छतब है और तुम भाई यहाँ बागे माओ देख देख के बैसी दो चार बार हंसी जाइयो कहियो कुछ मत, तो भाई पेट में जई रहेगा कुछ ना कुछ बात है जी भैया बेर बेर में माओ हंसी चो रो है बार बार हंसियो रहा है। और वो ही किया कन्हैया ने के बागे माओ जो कही का कही किन्ने बताई इधुष्टन ने, सही भगवान हंसी गए तारी बजाएगी। दुर्योधन ने की हंसी काय गुरे हो, कैसे जाके ले रहे क्या बात है भूल गए कि द्रौपदी का जिस समय चीर खिंच रहा था तो तुमने जांग खोली कि हाँ खोली, तो बाई का दुष्ट भूल थोड़ी गए ताई ते तो नंगो करवाओ कि नंगे शरीर पर चोट कस के बैठ जाई तो मैं फिर महाराज क्या करूं, ऐसो करो या कमर के इससे दावे ले जाओ अगर बचन हो तो उन्हें मार देगा वो छोड़ेगा नहीं भीम तुम्हें। देखो सही अगर दुष्टन ने बता दी है तो तैयार हो अंतिम समय, आज सही है मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल। कन्हैया क्या करूं कि जब कमर के इससे दावे ले जाओ बचन हो तो, सो दुर्योधन ने केला के पत्ता कमर से बांध ले और जो आए तब कही मैया पट्टी खोल दे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जैसे ही कांधारी मैया ने पट्टी खोली है पूरा शरीर नजर भर के देखा, जितना शरीर ढक रहा था वो ही कच्चा रह गया। तब कही लला दुर्योधन वो इधुष्टन ने तुम्हें बताई कि बिल्कुल नगिन काया लेकर के आना और फिर जी केला ही पत्ता किन्ने बनवाए। मैया मोए कन्हैया मिल गए गेल में, तो कन्हैया ने कही कि भीम की प्रतिज्ञा जांग तोड़ देगा अगर बचानी है तो ढक ले जाओ। तो मैया मेरे कन्हैया की मानी बेऊ मेरे ही तो हितम बता रहे हैं, अरे पागल तेरे कन्हैया की परिमान ली पाई नहीं तुझे महाभारत करवा दो सब। और तब क्या बोली गांधारी अपने बेटा दुर्योधन के सामने, कैसे दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी कर जन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू, बाबरी कर डारी
जाई ने मारो कैसे तब पानी गो नरती नारी रे जन मारे मारे के जादू भैया बन गो बचिया हूं तो तब बताया बेटा अब ये तो यतन फेल हो गया अब तू ब्यास सरोवर को चला जा तू जल स्तंभन मंत्र जानता है तो जल स्तंभन मंत्र को पढ़ने से तू पानी में 6 महीने तक रह सकता है तो बेटा दुर्योधन आज जल में जाकर के छिप जाना आज की रात निकल के मत आना कल तुझे कोई मारेगा नहीं तो आज दुर्योधन ब्यास सरोवर में गए हैं और इधर कुंती के पास पांचों पांडव आए मैया हमने महाभारत को जीत लिया है अब तू विजय का तिलक लगा दे हमारे तब कही कुंती ने विजय का तिलक सबसे पहले मैं उसके लगाऊंगी जिसने दुर्योधन को मारा वो आ जा सामने पांचों की आवाज बंद मैया सब बड़े बड़े वीर महारथियों को हम मारते रहे पर दुर्योधन नहीं दिखो आज हमें अंतर तो लौट जाओ जब तक दुर्योधन को मार के नहीं आओगे तब तक मैं विजय का तिलक नहीं लगाऊंगी आज भगवान कन्हैया को लेकर पांचों पांडव रात में ढूंढते हुए गए कितना बड़ा राजनीतिक था